तो आज हम करने वाले हैं इंटरमीडिएट का ज्योमेट्री 12 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस करेंगे। और पहले वाले पार्ट में मैंने 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चंस कर दिए हैं, उनको जाके आप देख सकते हो। तो अब आते हैं हम हमारे 12th वाले क्वेश्चन पे। 12th वाले क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल निकालना है जिसकी साइड्स इन्होंने दी है। उसको देख के हमें एक ट्राइंगल निकालने के बाद उस ट्राइंगल के पॉइंट्स को टच करते हुए एक सर्कल निकालना है, मतलब कुछ ऐसा, तीनों पॉइंट्स को टच हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल की एक साइड है 6 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर का पहली लाइन हो जाएगी हमारी और इसको नाम भी दे देंगे। तो दूसरी साइड है 4 सेंटीमीटर की, तो 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे और यहाँ पे खींच देंगे कुछ ऐसे। और तीसरी साइड है 5 सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे और यहाँ पे मार देंगे और इसको जॉइंट करने के बाद हमारा ट्रायंगल रेडी हो जाएगा। फिर इन दोनों साइड्स को हम बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट करने के लिए वैसे ही कुछ आर्क लेना है, तो ये बड़ा लेंगे ये हमारा सेंटर आ रहा है। इस सेंटर को पकड़ के और इस बी को पॉइंट पकड़ के हम यहाँ से एक सर्कल निकाल लेंगे। तो फिर ऐसे कुछ हमारा सर्कल के अंदर ट्रायंगल तैयार हो जाता है। तो अब आते हैं हम 13th वाले क्वेश्चन पे। 13th वाले क्वेश्चन में हमें एक रोम्बस निकालना है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो दो, और पहली वाली साइड है 5 सेंटीमीटर और दूसरी 3 सेंटीमीटर की। और एक कंडीशन है 120 डिग्री का एक एंगल रहना चाहिए और एक कंडीशन है कि इसके अंदर एक हमें सर्कल भी फिट करना है। तो सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेंगे, फिर निकालेंगे 120 डिग्री जो कि हमें कहा गया था, फिर 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे और उस लाइन पर मार देंगे ताकि हमारी लाइन 3 सेंटीमीटर की हो जाए। फिर उस आर्क पे पॉइंट रख के और एक आर्क मार देंगे, मतलब और एक लाइन तैयार हो जाएगी वहाँ पे। पर उस लाइन को बनाने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर भी लगेगा, तो 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके हम ऊपर मार देंगे कुछ ऐसे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे स्केल से। तो इस रोम्बस के सेंटर में हम एक डायगोनल निकाल देंगे, फिर इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक आर्क निकालेंगे और उसके ऊपर दो आर्क, मतलब हमारा सेंटर पॉइंट तैयार हो जाएगा और उसके अंदर एक लाइन मार देंगे। फिर जो पॉइंट निकल के आएगा उसको सेंटर मान के हम और एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, मतलब साइड पे दोनों आर्क और फिर और दो आर्क, जिससे हमारा सेंटर पॉइंट निकल जाएगा और उस लाइन को जोड़ देंगे उस सेंटर से। फिर हम उस सेंटर और एबी लाइन का मेजर ले लेंगे और सेंटर में एक सर्कल निकाल देंगे कुछ ऐसे। फिर हमारे रोम्बस के अंदर एक सर्कल तैयार हो जाएगा। तो अब हम आते हैं हमारे 14th वाले क्वेश्चन पे। 14th वाले क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, उसके अंदर हमें सर्कल निकालने हैं और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल भी है, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक 9 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे और इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए हम 9 सेंटीमीटर का आर्क लेके ऊपर दोनों साइड मार देंगे, क्योंकि 9 सेंटीमीटर हर साइड से रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे हमारे
और अब हम हमारे ट्रायंगल्स के कॉर्नर को बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब आर्क निकालेंगे और आर्क के ऊपर के दो पॉइंट्स को लेके और दो दो आर्क निकालेंगे। हर साइड से करना है क्योंकि हमें ट्रायंगल का सेंटर चाहिए। ऊपर के कॉर्नर के लिए हम सेंटर लेने के लिए आर्क नहीं चाहिए, वो साइड के दो कॉर्नर को पकड़ के हम और एंगल बना सकते हैं और कुछ ऐसे इन लाइंस को भी जोड़ देंगे। अब हम हमारे इस कॉर्नर को भी बाइसेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें वहाँ पे एक आगे पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए हम बाइसेक्ट कर देंगे उस एंगल को और एक लाइन खींच देंगे कुछ ऐसे। फिर हमारा जो पॉइंट आएगा उसको हम परपेंडिकुलर बना देंगे, मतलब नीचे दो आर्क और आगे और दो आर्क, जिससे हमारा परपेंडिकुलर तैयार हो जाएगा और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो अब हम एक सर्कल निकाल लेंगे ट्रायंगल के सेंटर से, इतना मेजर लेके, वो जो हमने पॉइंट निकाला था वहीं से। फिर जो हमने परपेंडिकुलर निकाला था उसका मेजर लेके हम अपने सर्कल निकालेंगे तीन तीन, वही मेजर रखना है आपको। और वो बड़ा वाला सर्कल निकाला है उसको हमें सेंटर मानना है हर बार। तो ऐसा कुछ करने के बाद हमारे ट्रायंगल के अंदर तीन सर्कल फिट हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे 14th के सेकंड क्वेश्चन पे, जिसके अंदर हमें एक स्क्वायर निकालना है और उसके अंदर चार सर्कल। पिछली बार की तरह ही है इसलिए ये 14th का सेकंड पार्ट है। तो हमारे स्क्वायर की एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, तो हम हमारा लाइन 8 सेंटीमीटर की निकालेंगे। और अब स्क्वायर को बनाने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, मतलब हमारी स्क्वायर की जो साइड्स है वो सीधा ऊपर जाएंगी, इसलिए हमें एक परपेंडिकुलर लगेगा। और परपेंडिकुलर तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, और अगर नहीं पता है तो देख लो। और अब हमें हमारे सेकंड साइड पे परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक साइड पर निकाल लिया है। तो फिर हम साइड्स निकालने के लिए सबसे पहले लेंगे 8 सेंटीमीटर का आर्क और दूसरी साइड मार देंगे, और दूसरी साइड हमने परपेंडिकुलर निकाला था उसको भी हम जोड़ देंगे हमारी कॉर्नर से। तो हमारे चारों साइड्स 8-8 सेंटीमीटर के हो गए और हमारा स्क्वायर तैयार हो गया। अब इसके अंदर चार सर्कल फिट करने, उसका भी काम शुरू करते हैं। फिर हम एक डायगोनल निकालेंगे दोनों साइड पे, और फिर हम हमारे स्क्वायर को बाइसेक्ट करेंगे दो पार्ट्स में कुछ ऐसे। आर्क निकालने के बाद लाइन खींच देंगे और हमारा स्क्वायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर ट्रायंगल की तरह हम उस कॉर्नर को भी बाइसेक्ट करेंगे, फिर हमारी जो लाइन है उसको हमें एक पॉइंट मिल जाएगा सेंटर में सर्कल निकालने के लिए। कुछ ऐसा बाइसेक्ट होने के बाद हम उसे लाइन मार देंगे और एक परपेंडिकुलर निकाल लेंगे निचली साइड पे। फिर परपेंडिकुलर निकालने के बाद हम उस पॉइंट को पकड़ के एक सर्कल निकाल लेंगे जो कि हमारे हर सर्कल का सेंटर हो जाएगा। और हमारे सर्कल का रेडियस लेना है हमें, तो वो हमने परपेंडिकुलर निकाला था उसका साइज लेके हम चार सर्कल्स निकाल देंगे। तो कुछ ऐसा करने के बाद हमारा स्क्वायर तैयार हो जाता है जिसके अंदर चार सर्कल्स हैं। तो अब हम आते हैं हमारे 15th वाले क्वेश्चन पे। 15th वाले क्वेश्चन में हमें एक कोन निकालना है, पर उसके अंदर हमें एक सर्कल फिट करना है।
और उस कोन का एंगल 36 डिग्री होना चाहिए और सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेंगे जो कि कोन का बेस रहेगा और उसके ऊपर हम एक 36 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब हम हमारे स्केल के ऊपर 5 सेंटीमीटर का आर्क मेजर कर लेंगे और कुछ इधर ऐसे मार देंगे, मतलब हमारे 5 सेंटीमीटर के दोनों साइड्स हो जाएंगी। फिर इन एंगल्स को हम बाइसेक्ट कर देंगे कुछ ऐसे। फिर सेंटर में एक आर्क निकालेंगे जो कि हमारी लाइन का बाइसेक्टर होगा। दोनों साइड्स पे कुछ ऐसे ऐसे एंगल्स मार देंगे। और इन दोनों लाइंस को जोड़ देंगे। अब हम इस पॉइंट से उस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब कुछ ऐसे आर्क निकाल के दोनों साइड पे अंदाजे से लेने, और आगे भी और दो पॉइंट्स निकालेंगे। फिर उस लाइन से हमारा सेंटर आ जाएगा और हम उस साइड वाले बाइसेक्टर का मेजर लेके हम एक सर्कल निकाल देंगे कुछ ऐसे। तो कुछ ऐसा करने के बाद हमारे कोन के अंदर एक सर्कल फिट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं हमारे 16th वाले क्वेश्चन पे। 16th वाले क्वेश्चन में हमें एक एंगल निकालना है और उसके अंदर एक सर्कल, पर इसके अंदर हमें एक एंगल निकालना है 30 डिग्री का और सर्कल 2 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एक लाइन जो कि कोन का साइड होगा और फिर 30 डिग्री का एक एंगल। फिर 2 सेंटीमीटर का आर्क लेके हम कहीं पे भी एक आर्क निकाल लेंगे जो कि ऊपर वाली लाइन से और ऊपर आएगा, और इस साइड पे भी एक आर्क निकालेंगे और लाइन खींच देंगे। फिर हमारी पैरेलल लाइन तैयार हो जाएगी जो कि निचले वाली लाइन को पैरेलल है। फिर हम इस एंगल को कुछ बाइसेक्ट कर देंगे कुछ ऐसे और लाइन खींच देंगे सेंटर में। और फिर उसने पैरेलल वाली लाइन को काटा है तो उसको सेंटर मान के हम नीचे एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। और कुछ ऐसे सीधी लाइन निकाल लेंगे अपनी। अब आप 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल निकाल सकते हो उसको सेंटर मान के उस बाइसेक्टर को, या फिर आप उसको परपेंडिकुलर की लाइन को मेजर करके भी एक सर्कल निकाल सकते हो, कैसे भी चल जाएगा। तो फिर ऐसा कुछ करने के बाद हमारे एंगल के अंदर एक सर्कल फिट हो जाएगा। तो अब आते हैं हमारे 17th वाले क्वेश्चन में। 17th वाले क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल निकालना है जिसके अंदर 3 सेमी सर्कल्स फिट करने हैं, जिसकी साइड्स मतलब ट्रायंगल को टच भी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की लाइन निकाल लेंगे क्योंकि हमारा ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर साइड का है, मतलब हर एक साइड उसकी 5 सेंटीमीटर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल तैयार करने के लिए हमें हमारे राउंडर पे 5 सेंटीमीटर का आर्क लेना होगा। फिर उसको हम दोनों तरफ से आर्क मार देंगे और हमारे ट्रायंगल के दोनों साइड्स जोड़ देंगे। फिर हमारा ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। अब हमारे ट्रायंगल को हर एक साइड से बाइसेक्ट करेंगे, मतलब हर एक पॉइंट पे रख के हमें एक आर्क निकालना है जो कि कट होता हो कुछ ऐसे। फिर उसको लाइन भी जोड़ देंगे, मतलब हर एक कॉर्नर से अब कट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल। अब हम हमारे ट्रायंगल में एक आर्क दे देंगे कॉर्नर पे जिसको हमें बाइसेक्ट करना है। यहाँ पे वो बहुत छोटा है इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसे हमारे लाइन आ जाएगी बाहर। फिर ऊपर की जो हमने क्रॉस लाइन निकाली थी उसको कट किया है उसने, तो उसको पॉइंट पकड़ के हमें एक सर्कल निकालना है अपना रेडियस उतना लेके। अब कॉर्नर की हर एक साइड को नाम दे देना E1, E2, E3,
क्योंकि इन लाइंस को हम जोड़ने के बाद एक हमारा ट्रायंगल और एक तैयार हो जाएगा इसके अंदर। तो अब हमें सेमी सर्कल निकालना है, तो उसके लिए रेडियस लेंगे हम कुछ इतना और आर्क मारते जाएंगे। तो अब ऐसा कुछ करने के बाद हमारे ट्रायंगल के अंदर 3 सेमी सर्कल फिट हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं हमारे 18th वाले क्वेश्चन में। 18th वाले क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर निकालना है जिसको साइड से सेमी सर्कल से घेरा हुआ है, मतलब 4 साइड्स होते हैं स्क्वायर को, तो 4 सेमी सर्कल आ जाएंगे। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम एक निकाल लेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन और उसको एक्सटेंड कर देंगे दोनों साइड से, क्योंकि हमें एक परपेंडिकुलर निकालना है जो कि स्ट्रेट जाएगा और हमें एक स्क्वायर देगा। फिर हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे और अपने दोनों परपेंडिकुलर को काट देंगे 5 सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी साइड 5 सेंटीमीटर है। फिर उनको जोड़ देंगे और हमारा स्क्वायर तैयार हो जाएगा। अब हमारे स्क्वायर को एक डायगोनल दे देते हैं दोनों साइड पे। फिर हमारे स्क्वायर को हम हर साइड से बाइसेक्ट कर देंगे, मतलब हर कॉर्नर पे पॉइंट रख के हम आर्क निकालते जाएंगे, हमारा पॉइंट आते जाएगा। फिर हम इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे हर साइड से। फिर हम बाइसेक्ट कर देंगे हमारे इस एंगल को। और फिर वो जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी अगली वाली लाइन को, उसको हमें पॉइंट करके बाइसेक्ट करना है दोबारा। फिर उस पॉइंट से बाइसेक्ट करने के बाद वो जो पॉइंट आएगा उसको हमें रेडियस पकड़ के हमें एक सर्कल बना लेना है। कुछ ऐसे। फिर इस सर्कल के कॉर्नर्स को हमें जोड़ देना है जिससे और एक सर्कल सेंटर में बन जाएगा। फिर हमें छोटे स्क्वायर के सेंटर को पकड़ के और कॉर्नर को मेजर करते हुए एक सेमी सर्कल निकालना है हर साइड पे, चारों साइड पे निकालना है वैसा ही। तो कुछ ऐसा करने के बाद हमारे स्क्वायर के अंदर 4 सेमी सर्कल तैयार हो जाएंगे। अब हम आते हैं हमारे 19th वाले क्वेश्चन पे। 19th वाले क्वेश्चन में हमें एक कोन निकालना है, 35 डिग्री एंगल होना चाहिए और उसके अंदर हमें एक सेमी सर्कल निकालना है जो कि होना चाहिए 5 सेंटीमीटर रेडियस का। सबसे पहले हमें एक लाइन निकाल लेनी है और उसको 35 डिग्री एंगल दे देना है। फिर 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे और दोनों साइड्स पे मार देंगे, मतलब हमारी दोनों साइड्स 5 सेंटीमीटर के हो जाएगी। फिर हम इस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। और फिर सेंटर से और एक बार बाइसेक्ट करेंगे, मतलब हमारा प्लस तैयार हो जाएगा कोन के बीच में और इस लाइन को भी जोड़ देंगे।
फिर इस कॉर्नर को भी बाइसेक कर देंगे, जो कि हमें दूसरी साइड का एक पॉइंट देगा। कुछ ऐसी लाइन खींचने के बाद हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसका और स्टार्टिंग पॉइंट का मेजर लेके हमें एक वापस आर्क निकालना है दूसरी साइड पे, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर उन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। फिर उस लाइन का सेंटर और साइड को मेजर करते हुए हम एक आर्क निकाल देंगे, जो कि बन जाएगा हमारा सेमी सर्कल, और वो सेमी सर्कल हमारे ट्रायंगल के अंदर फिट हो चुका है। तो अब आते हैं हमारे 20th वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके अंदर हमें एक सर्कल दिया गया है, जिसके अंदर हमें 4 सेमी सर्कल्स निकालने हैं। वो भी एकदम फिट होने चाहिए, बॉर्डर को भी टच होने चाहिए। तो हर बार की तरह इसमें हमें लाइन नहीं निकालनी है। इसके अंदर सबसे पहले हमें एक सर्कल निकालना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो उसको कुछ हम निकाल देंगे और फिर इस सर्कल को सेंटर से हम डिवाइड कर देंगे। फिर हम इस लाइन से और एक बार बाइसेक कर देंगे, फिर हमारा प्लस तैयार हो जाएगा। कुछ ऐसे। फिर हम इन दोनों को और एक बार बाइसेक करेंगे, मतलब और 8 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे सर्कल के। अब हमें इस निचली वाली लाइन के ऊपर आर्क निकालना है ऊपर और नीचे, और इसको बाइसेक करना है, मतलब ये हमारे सर्कल का बेस हो जाएगा एकदम पैरेलल। फिर निचली वाली बेस होने के बाद हम उसको भी बाइसेक कर देंगे, उस 90 डिग्री को, जो हमारा 40 डिग्री बन जाएगा। फिर उस लाइन को बाइसेक करने के बाद जो हमारा पॉइंट आएगा आगे वाले लाइन के ऊपर, उसको हमें रेडियस पकड़ के एक सर्कल निकालना है। और अब उन सब पॉइंट्स को नाम भी दे देंगे, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद हम एक स्क्वायर बनाने वाले हैं, कुछ ऐसे। फिर हम इन स्क्वायर के सेंटर्स को भी नाम दे देंगे, क्योंकि ये हमारे सेमी सर्कल के सेंटर होने वाले हैं। तो सेमी सर्कल का ये सेंटर होगा और उसका मेजर लेंगे हम स्क्वायर के कॉर्नर्स को पकड़ के। तो कुछ ऐसे हमारे चारों के चारों सेमी सर्कल्स आ जाएंगे हमारे एक सर्कल में। तो ऐसा कुछ करने के बाद हमारे सर्कल के अंदर 4 सेमी सर्कल्स बन जाते हैं। तो आप सबके लिए एक टिप, हमें डायग्राम को बनाने के बाद कुछ लिखना विखना नहीं पड़ता, इसलिए हम उनको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मतलब जो जो पॉइंट वहाँ पे हमें दिखते हैं डायग्राम निकालते समय, उन्हें हम कुछ ना कुछ तो पॉइंट का नाम दे देना। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इसका नाम यही रहना चाहिए, इस पॉइंट का यही रहना चाहिए। सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन में जो जो दिया गया है कि ए बी लाइन निकालो, तो ए बी ही उस लाइन का नाम रहना चाहिए, और जितना सेंटीमीटर वो सब कहा गया है वो सब फिक्स रहना चाहिए। बाकी सब कुछ आप एक्स्ट्रा नाम अपने हिसाब से दे सकते, पर कुछ ना कुछ तो लिखना, क्योंकि उसके मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अब हमारे 20 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं ज्योमेट्री के। अब बचती है तो हमारी सॉलिड ज्योमेट्री, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी, उसको भी जाके आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहना।